के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं कि कश्मीर के मामले में बात ना हो, इंडिया के हवाले से कोई बात ना हो, हम कहीं स्टैंड ना ले सकें। हम आपको बताते आए हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं, मगर इल्ज़ामात लगाए गए, हत्ता कि हमें प्रोपेगेंडिस्ट भी करार दिया गया है। एलएनजी के हवाले से भी जो बुरी खबरें आने वाली हैं, द विंटर इज़ कमिंग, सख्त सर्दियां जो आने वाली हैं, बोलियां मिल नहीं रही पाकिस्तान को के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर मैं आम अल्फाज में बात करूँ कि कश्मीर के मामले में बात ना हो, इंडिया के हवाले से कोई बात ना हो, हम कहीं स्टैंड ना ले सकें। अगर हुकूमत को IMF से कर्ज चाहिए तो फिर उसे उसकी तीन बड़ी अहम और सख्त शराइत भी पूरी करनी होंगी, और इन शराइत के मुताबिक हुकूमत को कुदरती गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करना पड़ेगा, जिसका बोझ ज़ाहिर आवाम पर पड़ेगा और इसकी कीमत को भी 35% तक बढ़ाना होगा। खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली है, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे आप जाना साहब? हो चुका है, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का वाहिद सपोर्टर, पाकिस्तान को FATF के अंदर सबके सामने जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी, पाकिस्तान का साथ देने वाला मुल्क और खुलकर आलमी बिरादरी को FATF की हकीकत बताने वाला मुल्क, पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की जो है, उसे इस वक्त तुर्की ने बाकायदा तौर पर FATF जो है उसने तुर्की को उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम। मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 69 पैसे इजाफा देखा गया है, और अमरीकी करेंसी की कदर जो है 173 रुपए से भी बढ़ गई है। पाकिस्तान और IMF के मुजाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। शौकत तरीन IMF सरबरा को मौशी इकदामात पर कायल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, पाकिस्तानी फॉर्म को भी, पाकिस्तान के लीडरों को भी, की पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क नहीं है और कभी भी नहीं रहा। एक तरफ आवाम नाराज हैं तो दूसरी तरफ IMF भी राजी नहीं हो रही। $1 अरब के कर्ज की अगली किस्त जारी करने और बेहतर माशी सूरत हाल का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुजाकरात ता हाल बेनतीजा रहे। IMF ने आंखें दिखानी शुरू कर दी और जिसके नतीजे में महंगाई जो है उसने हम सबको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, बाकायदा हमारा दम घुट रहा है। IMF ने पाकिस्तान के साथ जो मुजाकरात थे उसके तहत जो किस्त देनी थी वो देने से इनकार कर दिया है। मार्केट में आग लगी हुई है, आदमी अपने बाल नोच रहा है, गरीब आदमी का जिसको कहते हैं कबाड़ा हो गया है। IMF के साथ अगर डील नहीं हुई और $1 अरब नहीं आया तो उसके असरात हमारी मईशत पे क्या पड़ेंगे? अगर कोई तलिस्मी चिराग या जादू का डंडा आपके या मेरे आपके या मेरे पास आ जाए और इस मुल्क से वाकई करप्शन खत्म हो जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर आधी आबादी भूखी मर जाएगी। टमाटर ना मिले तो कुत्ते बिल्लियां खा लें, मुश्किल वक्त में कौमों ने कुत्ते बिल्लियां खाकर गुजारा किए। मैं समझता हूं कि जब हुक्मरानों के पास मसाइल का कोई हल ना हो तो वो इस किस्म की मजाक खेज बातें ही करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है एक, उसका नाम है पाकिस्तान, जो दहशत गर्दों के लिए तो पाकिस्तान है सही में, मतलब पाकिस्तान है, और जो वहाँ की आम आवाम है उनके लिए है वो नरकिस्तान। IMF पाकिस्तान का नया पाप। IMF ने पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा अपना इतना टाइट कर दिया। अगर IMF ने अभी अपना शिकंजा जरा सा भी भेज दिया तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि बोला भाई क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, IMF पे पाकिस्तान पे वीडियो बनाओ। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मेरे पीछे से आई नॉइज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको मैं नहीं रोक सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। और आप वीडियो को आनंद लीजिए, आपका भाई मिलेगा आखिरी में। मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 69 पैसे इजाफा देखा गया है, और अमरीकी करेंसी की कदर जो है 173 रुपए से भी बढ़ गई है। अच्छा, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उसके बाइस तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो मसनूआत हैं, जैसा कि बच्चों के जो खुश्क दूध है, डायपर्स हैं, सर्फ हो गया, साबुन, शैम्पू, मेकअप का सामान, इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं और 30% तक बढ़ाई गई हैं। पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की जो है उसे इस वक्त
तुर्की ने बाकायदा तौर पर FATF जो है उसने तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ये तुर्की की ऑलरेडी जो मईशत इस वक्त डामाडोल है, टर्किश लीरा जो उनकी करेंसी है वो अनप्रडिक्टेबल होती है, तुर्की को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने की एक आलमी साजिश की गई है और FATF में तुर्की को भी उसी चीज़ की सजा दी गई है जिसकी पाकिस्तान को दी जाती है, यानी कि अपनी गैरत और हमीयत का सौदा ना करने, अपनी कौम जो है उसे ना बेचने और आलमी ताकतों के कदमों में ना झुकने की सजा। जैदी साहब, क्या वजह है कि इस बार जो IMF से मुजाकरात हैं वो बड़े लंबे हो गए हैं, तवील हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो IMF की बात मानते हुए बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, सब्सिडी भी खत्म कर दी है। अब इसके अलावा क्या हम सोच सकते हैं कि IMF ने कुछ मजीद नई शराइत ऐसी रख दी है या मजीद ऐसी शराइत हो सकती हैं कि मामला हल की तरफ जा ही नहीं रहे, महंगाई होती चली जा रही है, सिचुएशन समझ नहीं आ रही, किसी को आवाम बेचारे परेशान हुए बैठे हैं। IMF की डिमांड ये है कि वो सब्सिडी को लॉन्ग टर्म में खत्म करना चाहते हैं। सजा बाकर साहब जो मर्जी कहते रहे या जो भी पोजीशन हो, हमें सब्सिडी ऑन एनर्जी खत्म करने की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है और एनर्जी और पेट्रोलियम पे सब्सिडी बाकी रहेगी। इस बात के ऊपर हमारा और IMF का मेरे जाती हिसाब से एक तनाव है कि देखें, आप भी इसकी प्रोग्राम करती रही हैं मईशत के ऊपर और चीजों को जानती हैं, IMF और जो इंटरनेशनल लॉबी होती है वो अपनी डिसीजन को और अपनी लचक को और अपने मामलात को इस बुनियाद पे करती है कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। मेरी जाती हिसाब से हमारे ताल्लुकात इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उतने इतने ज्यादा मजबूत नहीं हैं कि वो हमारे लिए IMF को कोई सिफारिश कर सकें। और जब तक हमारी वो पोजीशन जब तक वो हमें सिफारिश नहीं करेंगे, IMF से हमें लीनियंसी नहीं मिलेगी। मगर मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये प्रेडिक्शन चेंज होगी और हमारे हम अपनी एक सिम्प नई सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ शबर जैदी साहब, ये जो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं है उसकी बहुत सी वजूहत हैं, आप भी समझ सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात भी हो सकती है, फिर ये जो हुकूमत है ये डू मोर नहीं करना चाहती, नो मोर उनको क्लियरली कह दिया जाता है, एब्सोल्युटली नॉट तो जारी बात है उनको जाके उनके दिल पर चुभता है, फिर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, कश्मीर के मामले में ये जो हुकूमत है, PTA की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर स्टैंड लिया है, खुलकर वो बात करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अब ये तो चलती रहेंगी, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ उस तरह कभी हो ही नहीं सकते जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं, तो फिर IMF जो है और ये जो हमारे मुजाकरात हैं इसका ऊंट किसी करवट उस तरह बैठ ही नहीं सकता, फिर अवाम इसका मतलब है जब तक PTI की हुकूमत रहेगी और जब तक ये बुनियादी बातों पर स्टैंड लेते रहेंगे जो कि लेना बनता है, कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेना बनता है, एब्सोल्युटली नॉट कहना बनता है मेरे मुताबिक, आई होप कि आप भी अग्री करेंगे या नहीं भी करेंगे तो आप अपनी राय दे सकते हैं, तो फिर क्या महंगाई के बोझ तले अवाम पिसती चली जाएगी? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का फाइल हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से किसी भी हाल में नाखुशगवार नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर फाइनेंशियल मैटर में USA है, आज भी है, कल भी रहेगा और आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान USA के साथ रॉन्ग साइड पर नहीं हो सकता, ये हमें जज्बातियत को खत्म करना पड़ेगा। आप इसमें कश्मीर का इशू ले लें, आप इससे इंडिया का इशू ले लें, आप कुछ भी ले लें, ये जज्बातियत के बाद देखें 71 साल से हम जज्बात से खेल रहे हैं, जज्बात की बुनियाद पर आवाम को सूली नहीं चढ़ाया जा सकता। आपने कल की खबर देखी होगी या नहीं तो शब्बर जैदी साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो IMF के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं कि कश्मीर के मामले में बात ना हो, इंडिया के हवाले से कोई बात ना हो, हम कहीं स्टैंड ना ले सकें, IMF को एक बहुत छोटा सा 6 बिलियन का कर्जा है, जब IMF आता है उसके साथ पूरा एक सपोर्ट पैकेज आता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हम एज सून एज पॉसिबल अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें। अगर हमने यूएसए पोजिशन को इम्प्रूव नहीं किया तो हम अपनी मईशत की सही को नहीं आ सकते। ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये तो दीवार पे लिखी हुई है, इसमें क्या परेशानी है? बताएं कि हुकूमत की ऐसी क्या गलतियां आपको नजर आती हैं कि जो ये जो करंट अकाउंट खसारा है वो इस साल बकायदा खसारे में चला गया? अगर आम अल्फाज में बचाओगे आप नाजरीन को समझाएंगे, और नाजरीन जिन्होंने जिनको नहीं पता कि इकोनॉमी होती क्या है, उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो उनको नहीं पता चलता बहुत सी टर्म्स का, तो आप उनके लिए आसान अल्फाज में जरा बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ गलतियाँ कोई नहीं है,
पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, पाकिस्तानी फॉर्म को भी, पाकिस्तान के लीडरों को भी, कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क नहीं है और कभी भी नहीं रहा। जब आप माशी तौर से मजबूत मुल्क नहीं होते तो अपने नजरियों पर और अपने अपने स्टैंड के ऊपर पोजिशन नहीं ले सकते। ये वो वाली बात है कि आपके पेट पे रोटी नहीं है और आप नजरिए के बुनियाद पर लोगों से जाके झगड़ रहे हैं, ये नहीं तो शब्बर जदी साहब, अगर आपकी बात को मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उस तरह मजबूत नहीं है तो हम हमेशा डूम वॉर करते रहेंगे, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी कोई डिग्निटी नहीं होगी, हम एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, हम सही को सही गलत को गलत नहीं कह सकते। ऐसी बात कही है जो गलत है, मुझे समझा दे आज एक बात आप मुझे बता दें जो अमेरिकन कह रहे हैं जो गलत है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको, क्या हम तालिबान की गवर्नमेंट को जो के गन्स के साथ आई है उसके बाद पब्लिक मैंडेट नहीं है एक्सेप्ट कर ले उसको? अब बताइए मुझे, क्या ये सही होगा? तालिबान की गवर्नमेंट क्या अफगानिस्तान की नुमाइंदा गवर्नमेंट है? आप बताइए, आप आंसर देना मुझे इसका, कि क्या तालिबान की नहीं, शब्बर जैसे पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मतलब 70,000 से ज्यादा हमारे यहाँ शहादतें हैं, जितना पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया उतना किसी ने भी नहीं दिया होगा, रख लेता है, ये भी तो हकीकत है ना, इसको हम झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत साथ नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूँ, बात सुने ना, अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान ने तो हमेशा साथ दिया ना, आप मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा, तारीख में 2000 साल से सेटल नहीं है। अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर और अपने नजरियात के ऊपर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को होस्टेज नहीं बना सकते, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अच्छा ठीक है, अच्छा शब्बर सिंह साहब आगे चलते हैं, जरा मेरे पास टाइम की कमी है, 2 मिनट 1 मिनट है मेरे पास। अब ये जो खबरें गर्दिश कर रही है डॉलर की कीमत 180 तक भी जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है, और ये ना जाए इसके लिए क्या करना होगा? लास्ट कॉमेंट देखिए, मेरी कैलकुलेशन ये है कि डॉलर की सही कीमत 168 रुपए है इस वक्त, ये जो 9 रुपए का सिलसिला डिफरेंस है, ये सारा 9-8 रुपए का 7 रुपए का डिफरेंस जो है ये सब जुआ हो रहा है, इसमें अभी एक्सचेंज कंपनीज को जरा सीधा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा पाकिस्तान का फंडामेंटली डॉलर की प्राइस। देखिए अगर ये परसेप्शन भी चलता है, फंडामेंटली डॉलर की प्राइस मैंने आज ही बैठ के कैलकुलेट की है, जो मेरी कैलकुलेशन है एज ए इकोनॉमिस्ट या अकाउंटेंट, वो ये है कि पाकिस्तान की पैरिटी रेट इस वक्त 167 या 168 रुपीज होना चाहिए, अगर ये 168 से 174 जा रहा है तो ये जुआ हो रहा है और इसको हमें रोकना पड़ेगा। बाकी फंडामेंटल हमारे जो है वो हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये जो दरमियान में जुआ हो रहा है जिसके ऊपर लोग परसेप्शन में खेल रहे हैं, इसको हमें रोकना पड़ेगा, ये हमारे हाथ में है, फंडामेंटल को हम चेंज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पेट पे रोटी नहीं हो तो अपने नजरियों को थोड़ा हल्का रखना पड़ता है, बस फिर मैं ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले कितने भी उछल कूद मचाते रहे, कितनी भी बदमाशियाँ करते रहे, कितने ही अपने आप को शरीफ बताते रहे, गंगा जी नहाया हुआ बताते रहे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम कितने कुछ नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि इनकी पाकिस्तान की जो आवाम है वो भूखों मरने पे आ रही है, क्योंकि अभी डॉलर भी टूट रहा है और टूटता जाएगा, पहले बहुत थी, अभी और 30% तक इनकी महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसमें मरना सिर्फ एक आवाम का हो रहा है। इनका जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट था उसने तो बिल्कुल मुँह पे कहा कि अगर तुम गन से बनी हुई सरकार को सपोर्ट करोगे दुनिया तुम्हारी क्यों सुनेगी, क्यों तुम को सपोर्ट करेगी, और फिजा खान का चेहरा तो आज देखने लायक था भाई साहब, जो अर्थशास्त्री था ना उसने जो फिजा खान की इज्जत उतारी, और ये अर्थशास्त्री भी पाकिस्तान का ही था, ये नहीं मैं समझना कि कोई इंडियन अर्थशास्त्री। तो पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए, पाकिस्तान को समझना चाहिए, जब तक वो दहशतगर्दों का साथ देगा और आतंकवादी तंजीमों को पाल के रखेगा तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा, वहाँ की आवाम का बेड़ा गर्क होता रहेगा, और इनको चाहिए कश्मीर भिखारियों को। और आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री